नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ड्राइवर के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम करेंगे एक पेपर और हुआ था हिमाचल प्रदेश में, एचपी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, इसका जो ड्राइवर का पेपर है ये हुआ था पीछे। इसमें 3 पोस्टें थी, इसका पेपर हो चुका है। तो इसमें आज हम 25 क्वेश्चन ही करेंगे, उसके आगे इसके 60 के आसपास क्वेश्चन हैं, मैं और करवा दूँगा आपको, एक वीडियो आज शाम तक और बना देंगे। तो अपने अच्छे से देख लेना, जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वही क्वेश्चन इसमें भी रिपीटेड हुए हैं, ठीक है ना, थोड़ा पैटर्न अलग सा है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सड़क पर गाड़ी चलाने से शिक्षार्थी मतलब आप गाड़ी सीख रहे हो, इनका मतलब यह है हिंदी आती है इतनी शुद्ध कि आपको उसमें अच्छे से पहचानना है, हिंदी में नहीं समझा रहा तो इंग्लिश में लिख लेना आपने, ठीक है ना। वहाँ पर तो एक वैध शिक्षार्थी लाइसेंस है, मतलब आपके साथ कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको सिखाने वाला है, उसके बाद वैध लाइसेंस होना चाहिए कि वो आपको गाड़ी सिखाने के लिए उसके पास होना चाहिए, ठीक है ना। एक वैध शिक्षार्थी लाइसेंस है, ठीक है ना, लर्निंग लाइसेंस इसमें आता है। तो लर्निंग लाइसेंस जो होता है एक कौन से बॉक्स में होता है, मतलब ये बना होता है 4, ठीक है, 18x18 डब्बे के में बना होता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के चश्मे को रात में वाहन चलाने समय नहीं पहनना चाहिए। तो कौन सा किस में नहीं पहनना चाहिए, रात को गोला चश्मा, तो इसमें सीधा आंसर है डी, इसका रंगा हुआ चश्मा, रंग चश्मा, ठीक है, रंगा हुआ वो नहीं पहनना चाहिए इन्होंने, देखो। और हाँ ध्यान रखना, नहीं और नहीं, बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं होता लिखा पीछे, आप देखते नहीं हो, आप जल्दी से टिक लगा देते हो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना और फिर लगाना है टिक, ठीक है ना, ऐसे मत लगाना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते, तीसरा, आपके आंसर के दर्पण में लटके वाली वस्तु, जो आपका आगे सामने बीच में दर्पण लगाया होता है आपने किसी देवता की, वो लटकाई होती है, या किसी आपने अपना लिखा होता है, राजपूत लिखा होता है, कुछ भी लटकाया होता है, उससे आपको क्या होता है, वाली वस्तु से क्या होता है आपको, आपकी दृष्टिकोण से प्रतिबंध प्रतिबाधित करें और अपना ध्यान विचलित करें, मतलब इससे क्या हो सकता है, इन्होंने ये पूछा है। तो आपका इसका आंसर होगा ए, ठीक है, आपकी ड्राइविंग में सुधार करें, नहीं अपनी एकाग्रता की मदद करेगा वो, नहीं करेगा इसमें से कोई नहीं, तो इसका फर्स्ट होगा आपको विचलित करेगा वो, ठीक है ना, आपका ध्यान और कहीं करेगा, तो ठीक है आप उसको देखते रहोगे बार बार। चलते अगला क्वेश्चन, ड्राइविंग करते समय थकान को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्या है, आपको दारू पीकर गाड़ी चलानी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना ये नहीं है, नाइट ड्राइविंग से बचे, नाइट की ड्राइविंग तो हो सकता है, ठीक है ना, पर उन्होंने थकान से बचने के लिए बोला है, आराम के लिए रुके, तो क्या करना है, आराम के लिए रुके। इसमें इन्होंने क्वेश्चन चेंज किया है, ऐसा भी आ सकता है कि थकान से बचने के लिए थोड़े थोड़े समय के बाद आप गाड़ी रोक सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है, थोड़ा पैटर्न चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन वही है जो आ रहे हैं और पेपरों में, ठीक है ना। चलते अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है इनमें से, पैदल चलने वाले या सड़क कोई भी विशेष अधिकारी नहीं है, तो इसका होगा देखते सी, पैदल चलने वाले यात्री के पास निरंतर पैदल यात्री क्रॉसिंग रास्ते को अधिकार है, ठीक है, रास्ते का अधिकार है, ठीक है ना, इसका ये होगा, इस 5वें का आंसर होगा सी, देख लेना आपने अच्छे से। थोड़ा वीडियो क्वालिटी ऐसी है, मैं आप अपने फ़ोन की वीडियो क्वालिटी ज़्यादा बढ़ा के, मतलब जो वीडियो की क्वालिटी है बढ़ा के देख लेना। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक पैदल यात्री के चित्र क्रॉस बुक के एक अंतरखंड पर सड़क पार करने का तुम्हें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इसका ए हो जाएगा, तो ठीक है ना, पैदल यात्री को राइट ऑफ वे प्रस्तुत करें, ठीक है ना, तो इसका पहला ए हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा इस मेरे को वीडियो बनाते वक्त ये कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने देख लेना इसको अच्छे से, पैदल यात्री को राइट ऑफ वे प्रस्तुत करें, ठीक है ना, इसका ये होगा ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी कार को स्किड के बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मतलब जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, जैसे आप दूसरी दिशा की ओर आप मोड़ रहे हो, मतलब आप लेफ्ट की तरफ मोड़ रहे हो, आप बाएं तरफ मोड़ रहे हो गाड़ी को, तो आप दाएं की तरफ हो जाते हैं उल्टा, ठीक है ना, तो क्या करें, इससे स्टेयरिंग व्हील को उस दिशा में घुमाएं जहां कार फिसल रही है, ठीक है ना, उस तरफ घुमाएं, मतलब इसका आंसर होगा ए, ऐसा जो ऑप्शनल आंसर की के थ्रू होगा इसका आंसर होगा ए, ठीक है। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, अगला क्वेश्चन है, सड़क पर दो पहिया ठोस रेखा दर्शाती है, क्या दर्शाती है, ठोस रेखा,
इसका 8वें का आंसर होगा बी। हो सकता है कि आपको ओवरटेक करने समय सीमा पर ना करें। देखो यहाँ पे सिर्फ सब एक जैसे, कोई बंधन नहीं, ठीक है ना, वचन नहीं इसमें, ना है मतलब इसको समझना चाहिए आपको, क्वेश्चन को देखना चाहिए। मैं आपको पहले बोला था कि ना और नहीं, मैं थोड़ा सा देख लेना आप, इसका होगा बी। हो सकता है कि आप ओवरटेक करते समय सीमा पर ना रह करें, ना करें, ठीक है ना, इसका ये होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। लर्निंग लाइसेंस धारक के रूप में आपको वाहन नहीं चलाना चाहिए, मतलब आपको क्या आना चाहिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रात को, एक स्थायी लाइसेंस धारक के बिना, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्या नहीं करना चाहिए आपको, 50 किलो इसका होगा, 9वें का होगा ए, ठीक है ना, स्थायी लाइसेंस धारक के बिना, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तक नहीं चलाना चाहिए आपको, ठीक है, इसका ए हो जाएगा। अब चलो आप स्थायी लाइसेंस के धारक के बिना तो नहीं चला सकते, ठीक है ना, तो इसका ए हो जाएगा। आप चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने सामने यात्रा करने वाले वाहन को अपनी कितनी दूरी रखनी चाहिए, तो आपको इसका पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी, यदि सामने वाला धीमा या रुक जाता है तो टक्कर से बचने के लिए एक पर्याप्त दूरी, तो आपको पर्याप्त दूरी रखनी चाहिए, ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है ना, पर्याप्त दूरी रखनी चाहिए, इसका आंसर होगा डी। अगर आपसे इन्होंने ये पूछा होगा सेंटीमीटर में, तो 10 से 15 सेंटीमीटर में आपको और वीडियो में बताऊँगा कितनी होगी, ठीक है ना। जब आप स्थिर हो तो आपको अपने हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, जब आप तक कोई चलती गाड़ी आपसे खतरे में ना डाले, तो आप इसका आंसर है सीधा, वीडियो हम लंबी नहीं करेंगे, किसी भी समय आपको, जब आप गाड़ी स्थिर का मतलब होता है जब आपकी गाड़ी खड़ी है, तो आपको हॉर्न का उपयोग नहीं करना चाहिए। इनका बोलने का मतलब ये है कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको किसी भी समय इसका हॉर्न का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो 12वें का आंसर होगा बी, ठीक है। तो चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। जब आप किसी ऐसी जगह, ऐसी सड़क पर पहुंचे हैं जहां कर्मचारी समस्त काम कर रहे हैं, तो आपकी गति इनमें से होगी। जब आप किसी ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पे कोई बोर्ड लगा है कि कर्मचारी आगे कर्मचारी काम कर रहे हैं, बोर्ड कर्मचारी का बोर्ड, देखो ऐसे इनमें और पेपर में पूछता है बोर्ड की, बोर्ड लगाया होता है कि क्या होता है इसके कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगा, इसमें इन्होंने सीधा ही पूछा है आपको, साइन बोर्ड लगाए हैं, अब से इन्होंने लिख के ही पूछा है, तो पेपर वही है सेम, एक ही पेपर ऐसे रिपीटेड होता है, बस थोड़ा सा अलग होता है और कुछ नहीं। तो कौन सा होगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। जब कहीं आप किसी गाड़ी को टो करके ले जा रहे हो, तो भी आपके 25 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। आपके स्कूल के पास कितने किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा ही रफ्तार होनी चाहिए, ठीक है ना, ये तीनों ही आपने देख लेने। स्कूल के पास कितने किलोमीटर होने चाहिए, आप टो करके ले जा रहे हो, तो आप कितने किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, और आपके जब कोई आगे का सड़क पे काम चल रहा है, तो आपकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तीनों की ये होगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ड्राइविंग करते समय एकाग्रता का नुकसान हो सकता है, तो कैसे हो सकता है नुकसान, देख सकते हैं इसमें, जोर से संगीत, एक यात्री के साथ हादसा, बहस लिखा है ना, मोबाइल फ़ोन पर उपयोग करना, तो इसमें से सभी हो सकता है। आपका नुकसान कब हो सकता है, उन्होंने ये पूछा है, ठीक है ना, तो आप जब जोर से संगीत लगाओ गाड़ी में, तब भी आपकी मतलब आप अपने ड्राइविंग करने से आपको मतलब डिस्टर्ब होता है बंदा, मतलब तंग, उसको कोई तंग करे, या फिर आप फ़ोन पे बात करो तब, तो इसमें ऐसे होगा, इसका आंसर होगा डी, सभी, ठीक है ना। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अपनी कार को 13 साल के दो बच्चों को और उनके माता पिता को ले जा रहे हैं, तो यह देखने के लिए जिम्मेदार कौन है कि सीट बेल्ट पहने हैं, कि बच्चे सीट बेल्ट पहने, तो कौन जिम्मेवार है इसके लिए, तो कौन होता है इसके लिए, आप जो ड्राइवर गाड़ी का चालक होगा, आप चालक, ठीक है ना, जो ड्राइवर का चालक होता है उसके लिए कि उन्होंने सीट बेल्ट पहनी है या नहीं पहनी है, इसके लिए जिम्मेदार होगा आप चालक, ठीक है ना। तो चलते हैं हम, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है रात को अन्य वाहनों को हेडलाइट के चकाचौंध होने पर आपको क्या करना चाहिए। 16वें का आंसर क्या होगा, 16वें का आंसर है बी, सड़क के बाईं ओर देखें, गति धीमी करें, हेडलाइट निचले बीम पर रखें, ठीक है ना, ऐसा करना चाहिए आपको, ठीक है ना, इसका आंसर होगा बी। तो रात के समय, ठीक है ना, चकाचौंध, ये क्वेश्चन वही है, आते हैं हर पेपर में, रिपीटेड होते हैं ये हर पेपर में, मेरे को तो ये दिखा हर पेपर में रिपीटेड है। इन्होंने पेपर में क्या किया है, इन्होंने आपको साइन नहीं दिए, बस कुछ पेपर में साइन बताए होते हैं, इनमें आपको लिख के ही पूछा है, इन्होंने क्वेश्चन ही पूछे हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइविंग तीन चीज़ों के पुनरावृत्ति, वे सही क्रम में कौन सा है, तो सही क्रम में देखें,
सोचें और करें, ठीक है। आपको पहले देखना चाहिए, जैसे क्रॉसिंग कर रहे आपको देखें, फिर उसके बाद सोचें, सोचना क्या है कि हाँ हम क्रॉस कर लें, ठीक है, और उसके बाद करें, इसका मतलब ये होता है। इसका आंसर होगा सी, जिस बंदे ने भी ये किया उसका ठीक किया है, सी, ठीक है ना। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम के धारा 112 संबंधित है, किससे संबंधित है धारा 112? ये धारा भी हम करवाएंगे आपको, किसी में धारा करवाऊंगा, कौन कौन से धारा लगती है अगर आप कोई ये गलती करते हैं। तो धारा 112 संबंधित है गति सीमा से संबंधित है, ठीक है ना। धारा 112 गति सीमा से, और धारा 196 तो ये है बिना बीमा, तो होगा बिना बीमा से संबंधित है धारा 196 बिना बीमा से, ठीक है ना। वैध लाइसेंस बिना ड्राइविंग, वैध लाइसेंस मतलब जो नीचे वाला डी, इसमें कौन सी धारा लगती है आपकी 180, ठीक है ना। तो नाबालिग ड्राइविंग करेगा, ऊपर वाला जो ए है इसमें कौन सी लगती है धारा 199, ठीक है ना। ये आपने तीनों ही लिख लेनी है, तीनों धारा मैं आपको इसमें बना दूंगा, लिख लेनी तीनों, कौन कौन सी, नाबालिग के लिए 199, बिना बीमा वाहन तो बिना बीमा वाहन के लिए 196, गति सीमा 112 होगी, वैध लाइसेंस की होगी 180, ठीक है ना। चलते अगला क्वेश्चन। एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में रखने की अधिकतम अवधि, तो ये देखिए ये हर क्वेश्चन पेपर में पूछे थे, 12 महीने तक अगर आप और किसी राज्य में रखोगे तो 12 महीने तक उसको वैध मान्यता होगी सरकार से कि वो 12 महीने तक रह सकता है। अगर उससे आगे रखवाना है फिर से उसको नई पासिंग करवानी पड़ेगी 12 महीने तक, तो 12 महीने की मतलब एक साल भी हो सकता है लिखा हुआ, 12 महीने भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। एक साल के लिए पासिंग होती है जो भी कमर्शियली होती है, ठीक है ना, तो देख लेना आपने। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। इसमें आज मैं आपको 25 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, शाम तक इससे आगे भी करवाऊंगा 50 तक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक राज्य में पंजीकृत, ये हो गया ना। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ये क्या है, ट्रैफिक सिग्नल डैश दर्शाता है, क्या दर्शाता है? देखिए ये दर्शाता है कि बजरी गिर रही है, तो इसका डी आंसर होगा कि 21 में होगा बजरी गिर रही है, ठीक है ना। इसका चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ट्रैफिक ऐसे मतलब बने हो, और ये कौन सा साइन है, ये कौन सा साइन है, ये चेतावनी, ठीक है ना, जो त्रिभुज बना है चेतावनी में आते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाई मरेगा हम भाई मैं आगे करवाऊंगा। निम्नलिखित में से ड्राइविंग लाइसेंस मतलब रद्द ड्राइविंग लाइसेंस वाला व्यक्ति ड्राइविंग कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो किसी भी हालात में वो ड्राइविंग नहीं कर सकता, मतलब ठीक है ना, ये किसी भी हालात में, इसका आंसर होगा सी, ठीक है, किसी भी हालात में वो ड्राइविंग नहीं कर सकता है, इसका आंसर होगा सी, ठीक है ना। जो दो क्वेश्चन छूटे हैं एक बीच में, मैं वो आगे आपको एंड में करवा दूंगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वाहन शुरू करने समय निम्नलिखित में से तो कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम जो है गियर न्यूट्रल में होना चाहिए, ठीक है, पहले तो गाड़ी को न्यूट्रल करनी चाहिए, पार्किंग ब्रेक ऑन होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी होना चाहिए, ठीक है, क्लच पैंडल दबा होना चाहिए, ठीक है, ये भी होना चाहिए। और भी आ सकता है कि आप अगर इसमें ऑफिशियल देखा जाए तो आपको ब्रेक भी चेक कर लेनी चाहिए, गियर तेल भी चेक कर लेनी चाहिए, मतलब मीटर में कोई लाइट तो नहीं आने, वो भी चेक कर लेने चाहिए, मतलब जो भी होगा उपयुक्त में से सभी होगा, 3-4 नियम दिए होंगे ना, तो सभी होंगे वो उपयुक्त, सभी लगाना आंखें बंद करके आपने, ठीक है ना। ये भी आने को तो बहुत आ सकता है, मेरे को ITI में बताया कि नीचे देख लेना चाहिए कि कुत्ता तो नहीं, कोई जानवर तो नहीं बैठा हुआ, ठीक है, गाड़ी चलाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना, सब कुछ देख लेना चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन, आपको कब ओवरटेक नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, थोड़ी देर बाद बाएं मुड़ने के इरादा नहीं, ये भी नहीं हो सकता, एक जंक्शन के पास नहीं हो सकता, आगे का दृश्य अवरुद्ध है, ये भी नहीं हो सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर होगा डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, 25 का। तो आज हमने 25 क्वेश्चन ही किए, 25 नहीं किए अभी तो 23 किए, दो क्वेश्चन और है, मैं आगे करवाता हूँ आपको, दो क्वेश्चन कौन कौन से है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। दो क्वेश्चन जो मिस हो गए थे हमारे 10, आपको इनमें से किस अवसर पर अपना वाहन रोकना चाहिए, दुर्घटना में शामिल होने पर, ठीक है ना। तो एक लाल लाइट, ट्रैफिक लाइट पर, जब आपको पुलिस अधिकारी ऐसा द्वारा संकेत दिया जाए, तो इनमें ऊपर के सभी, ठीक है ना, इसमें सभी होगा, ठीक है ना, कोई अगर दुर्घटना में शामिल हो, कोई दुर्घटना हो गई है, ठीक है ना, तो इसका होगा डी, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, सड़क पर वाहन का दरवाज़ा खोलने समय आपका कोई जिम्मेदारी है, हाँ हमारी कोई जिम्मेदारी है, क्या है, तो इसका आंसर होगा डी, हाँ, यदि वह पीछे यातायात के लिए खतरा है तो दरवाज़ा ना खोलें, तो इसका आंसर होगा डी। तो हमने ये 25 क्वेश्चन कर लिए, तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो भाई एक वीडियो में थोड़ा हुआ था म्यूज़िक, बैकडोर पीछे जो म्यूज़िक लगाया थोड़ा उसमें गड़बड़ हुई थी, तो अब इसमें मैं म्यूज़िक नहीं लगाऊंगा, तो सीधा सा वीडियो सिंपल ऑडियो वाली वीडियो ही डालूंगा। थैंक यू, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।